वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ इन खूबसूरत फूलों के साथ में। कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये फूल, गुच्छों में आए हुए हैं ये फ्लावर। ये पौधा है एडीनियम का, बहुत ही खूबसूरत गर्मियों का पौधा है और बीज के द्वारा ये पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये है मेरी छोटी सी बगिया जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सूर्य भगवान उदय हो गए हैं तो सबसे पहले इनको कर लेते हैं प्रणाम। अब नीचे आ गए हैं 7:13 और आज है वीरवार, दिन है 25 तारीख और ये देखिए ये हो रहा है मेरा गर्म पानी। सुबह का सबसे पहले रूटीन मेरा यही होता है कि सबसे पहले जब मैं टेरेस से आती हूँ तो सबसे पहले अपने लिए करती हूँ गर्म पानी, क्योंकि मुझे खानी होती है दवाई, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं तो गर्म पानी के साथ मुझे लेनी होती हैं। ये जो है सेंटर की किताब है जिसमें देखिए डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है मेरा वेट, और आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि कुछ उल्टा सा दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इसमें लिखा हुआ है 7 और 9, 79 kg वेट। दोस्तों मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई वेट मशीन नहीं है तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा वेट जो है कम हो गया है, लेकिन जब मैंने डॉक्टर के यहाँ पर अपना वेट 2 बार तोला तो सच मानिए बहुत ही खुशी हुई देख के कि मेरा वजन जो है कम हो गया है। और कम कैसे हुआ दोस्तों, यकीन मानिए मैं पी रही हूँ गर्म पानी। मुझे जो है 2 से 3 साल हो चुके हैं इस गर्म पानी को पीते पीते, और गर्म पानी से ही मेरा वेट जो है 3 से 4 किलो जो है कम हो गया है। और सबसे पहले देखिए मेरी शुरुआत होती है गर्म पानी और इस दवाई के साथ में। अब बन गई है चाय। चाय बनाने का दोस्तों सबका ही अपना अपना तरीका होता है, तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं सबसे पहले पानी में जो है थोड़ी सी अदरक डालती हूँ, उसको अच्छे से खौला लेती हूँ। फिर उसमें चीनी और चाय पत्ती डालती हूँ, उसे भी अच्छे से खौला लेती हूँ। फिर हल्का सा दूध डालती हूँ, दूध डालने के बाद उसे अच्छे से पका लेती हूँ और मेरी चाय बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों मुझे इसी तरीके की चाय जो है पसंद है, और सुबह सुबह अगर अच्छी सी चाय मिल जाए तो समझ लीजिए हमारा दिन जो है बन गया है, यानी जो है सुबह की शुरुआत हो गई है अच्छी सी चाय के साथ में। अगर अच्छी सी चाय सुबह मिल जाए तो दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। आ गई हूँ रसोई में तो आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ अपनी रसोई में। और अभी सुबह ही मेरी गुड़िया रानी को पता चला कि आज उन्हें कॉलेज नहीं जाना है। हालांकि मैंने सोच रखा था उनको कॉलेज में क्या देना है, लेकिन अब वो जो है कॉलेज नहीं जा रही हैं। तो ये 4-5 जो है आलू उबले हुए रखे हुए थे तो उसी का ही मैं झटपट वाला नाश्ता बनाने जा रही हूँ। इनको अच्छे से जो है मैश कर लूँगी आलू को। और आलूओं का ये जो नाश्ता होता है दोस्तों, मेरे को लगता है कि सभी को ही पसंद होता है, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे छोटे बच्चे हों। आलू की जो भी चीज़ें आप बनाते हो सभी को ही बहुत पसंद आती है। तो इस तरीके से आलूओं को जो है अच्छे से हमें मैश कर देना है। आप इसमें जो है और भी चीज़ें डाल सकते हैं, अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो थोड़ी सी आप हरी मिर्च डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए और बारीक बारीक आप प्याज काट कर भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ इसमें नमक और थोड़ी सी हल्की सी मिर्च डाल के मैं इसको जो है अच्छे से आलू को मैश कर लूंगी। आलू को जो है बहुत ही अच्छे से हमें मैश करना है दोस्तों, क्योंकि आलू अगर मोटा मोटा रहेगा तो वो अच्छे से बन नहीं पाएगा, बाइंड नहीं हो पाएगा वो। तो आलूओं को अच्छे से मैश करके मैंने थोड़ा सा हल्का सा बेसन बना लिया है, क्योंकि नाश्ता सिर्फ मेरी गुड़िया रानी को ही करना है। मैं तो फिर से वही दही चूड़ा खाऊंगी। हस्बैंड जो है मेरे नाश्ता नहीं करते हैं, वो सुबह केला वगैरह ही कुछ खा लेते हैं। तो एक तरफ मैंने गरम तेल जो है रख दिया था कढ़ाई में, और जो है ज़्यादा नहीं बनाने हैं, थोड़े बहुत ही बनाने हैं, 4 से 5 पीस ही बनाने हैं। इस तरीके से बेसन में डुबका मतलब उनको अच्छे से लपेट लीजिए और गरम तेल में आप डाल दीजिए। लेकिन जो है आँच को आपको धीमे रखना है, गैस जो है कम आँच में ही आपको इनको पकाना है, नहीं तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। आप जो है इसको बनाकर बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं, टिफिन में भी आप दे सकते हैं। बच्चे ऐसी चीज़ें खाकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बच्चे जो होते हैं बच्चे ही होते हैं, और वो जो है रोटी सब्जी ऐसी चीज़ें खाना बहुत कम पसंद करते हैं। तो इस तरीके का जो नाश्ता होता है ये बच्चों को पसंद आता है। तो इस तरीके का नाश्ता जो है आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, जैसे छुट्टी वाला दिन होता है रविवार का, जिसमें जो है बच्चों की स्कूल की होती है छुट्टी,
तो उस दिन आप जो है इस तरीके का नाश्ता बच्चों को दे सकते हैं। अगर हमारे बच्चे खुश हैं तो मम्मियाँ तो हमेशा ही खुश हैं। तो इस तरीके से मैं भी जो है पूरी पूरी कोशिश करती हूँ अपने बच्चे को खुश रखने की। ये एक माँ का प्यार है अपने बच्चे के प्रति। तो इस तरीके से देखिए मैंने बना दिया है उनके लिए नाश्ता और वो न गई हैं नहाने, और वो नहाकर जैसे ही आएंगी तो हम कर लेंगे नाश्ता, यानी मैं तो नहीं करूँगी, मेरी गुड़िया रानी ही करेगी नाश्ता। तो उनका नाश्ता बनकर देखिए तैयार है। ये पाव ला के रखा हुआ था, सॉस है, चाय भी मैंने उनके लिए तैयार कर दी है। और ये फोटो में मैं और मेरी दोस्त हैं, मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है ये, और जो है मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी दोस्त को। और ये है उनका पाव बनकर तैयार। अब माँ बेटी थोड़ी सी बातें भी कर लेंगे क्योंकि वो कर रही है नाश्ता। मैं उनसे पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है, तो कैसा बनाया बाबू, जवाब नहीं दे रही है क्योंकि वो कम बोलती हैं और कैमरे में आना नहीं चाहती हैं। तो अब आ गई मैं रसोई में। तो देखिए दोस्तों, सब जो लोग होते हैं, यानी सारी जो मेरे फ्रेंड होंगी, मेरी दोस्त हैं, वो सभी लोग जो है अलग अलग तरीके से काम करती हैं। कोई जो है कमरों से शुरुआत करती हैं और कोई रसोई से शुरुआत करती हैं, लेकिन मैं रसोई से शुरुआत करती हूँ। जैसे ही नाश्ता वगैरह सबका हो जाता है तो सबसे पहले मैं एक रसोई को क्लीन कर देती हूँ और कमरों को मतलब समेट देती हूँ। इससे पहले मैंने कमरे देखेगा सारे ही समेट के रखे गए, यानी बेडशीट वगैरह मैं झाड़ लेती हूँ, सोफ़ा वगैरह सब कुछ पहले ही झाड़ लेती हूँ, चीज़ें सारी ही झाड़ लेती हूँ, जैसे मैट वगैरह होती है या जो भी कुछ होता है सबको मैं पहले ही झाड़ झूड़ के रख देती हूँ। और फिर मैं करती हूँ रसोई की सफाई। तो डेली जो है सबसे पहला काम होता है गैस को साफ करना। गैस को अगर दोस्तों हम हाथों हाथ साफ कर देते हैं तो गैस हमारी साफ सुथरी नजर आती है। जैसे आज मेरे से क्या हुआ कि सुबह मैंने चाय बनाई और वो चाय जो है नीचे गिर गई। अब कई बार क्या होता है, दूध भी गिर जाता है। अगर चाय को तुरंत तुरंत साफ कर देना तो वो जल्दी से साफ हो जाती है, नहीं तो वो जम जाती है और वो गैस के नीचे भी जम जाती है, जिसे साफ करने में हमारी हालत खराब हो जाती है और मेहनत डबल हो जाती है। तो काम तो ऐसा करिए कि जिसको हमारे को बिना मेहनत के करना पड़े, क्योंकि करना तो हमें ही है और घर का तो कोई भी सदस्य नहीं करेगा, करना हमको है। जब सारे काम हमें ही करने हैं तो क्यों ना हम अपने काम को इस तरीके से करें, इस तरीके से व्यवस्थित करें कि हमको बहुत ही आसान लगे और हमारे को ज़्यादा टेंशन भी ना हो। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, काम जब बहुत अधिक होता है ना हम लोगों के पास में, तो हमें बहुत अधिक टेंशन भी होने लगती है। मेरे को भी होती है बहुत टेंशन कि अरे अभी तो कपड़े हैं, अभी तो मुझे खाना बनाना है और अभी तो मुझे गैस साफ करना है। तो मैं अपने काम को बहुत प्लान से करती हूँ। जैसे आपने कई बार मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं सुबह ही रोटी बना देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज मुझे बहुत सारे ढेर सारे काम हैं, तो मेरे पास जो है दिन में बनाने का टाइम मुझे लेट हो जाएगा या कुछ है, तो मैं सुबह ही बना देती हूँ। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बहुत अधिक गर्म खाने का कुछ भी ऐसा नहीं रहता है, तो रोटी कई बार मैं सुबह ही बना देती हूँ ताकि मुझे दोपहर में सिर्फ सब्जी बनानी रह जाती है। तो थोड़ी देर हम भी आराम कर लेते हैं, नहीं तो अगर हम सारा दिन ही रसोई में लगे रहेंगे तो हमारे पास अपने लिए कब समय है कि हम अपने लिए आराम कर सकें। क्योंकि सुबह उठते हैं, सुबह से ही हमारा जो है रूटीन शुरू हो जाता है। अब जो है नाश्ता बनाएंगे, अब जो है किचन साफ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे और इतने सारे काम हैं, तो अपने लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है समय निकाल कर जो है हमें जल्दी जल्दी अपने काम को निपटा कर और आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। बस फिर हम अपना दोपहर में थोड़ी सी हल्की सी सब्जी कुछ बना लेंगे और अपने जो है दिन का दोपहर का खाना खा लेंगे। तो देखिए मेरा जो है रसोई बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बर्तन भी मेरे बहुत अधिक नहीं थे। मैं बर्तनों को ना बहुत जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ, थोड़े से भी दो गिलास हुए साफ करके रख दिए, चार कटोरियाँ हुई साफ करके रख दी, इससे जो है बर्तन बहुत अधिक नहीं होते हैं। और देखिए गुड़िया रानी का रूम मैंने पहले ही जैसे बताया आपको क्लीन करके रखा हुआ था, और अब जो है उनके कर लेती हूँ कमरे की सबसे पहले सफाई। क्योंकि देखिए उनको करनी है कुछ पढ़ाई वगैरह, अब अगले महीने उनके पेपर है तो उनका कमरा उनको तैयार करके दे दूंगी ताकि वो अपनी पढ़ाई वगैरह जो भी उनको अपने काम करने हैं वो अपना काम करती रहे, नहीं तो बीच बीच में आऊंगी फिर उनको मैं डिस्टर्ब करूंगी, चार बातें करूंगी और उससे जो है सारा दिन उनका भी खराब होगा और मेरा भी टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। तो फटाफट कर लेते हैं उनके कमरे की हम साफ सफाई ताकि वो फिर अपनी पढ़ाई वगैरह जो भी करना है, अब अगले महीने से पेपर है
देखिए गुड़िया रानी का मेरा ग्रेजुएशन भी होने वाला है दोस्तों, और उसके बाद आगे क्या करेंगी वो भी मैं सब कुछ आपसे शेयर करती ही रहूँगी वीडियो में। और दोस्तों देखिए मुझे बहुत अधिक जो है वीडियो आती हैं बनानी, लेकिन जैसा भी आती है अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, और आप लोगों से बस थोड़ा सा ही ये मेरा जो है रिक्वेस्ट रहता है, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियोस पसंद आ रही हैं या आती हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी अगर आप मुझे करेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे। और देखिए दोस्तों आपके जो कमेंट हम जब पढ़ते हैं ना तो सच में बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है कि हमें कोई कमेंट कर रहा है। और अब देखिए मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में, देखिए मैंने ड्राइंग रूम पहले ही सिमेट के रखा हुआ था। कल एक वीडियो मैंने डाला था दोस्तों कि मेरा वेट देखिए 79 kg का मेरा वजन है, और इस 79 kg के वजन में भी मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ, गार्डनिंग भी करती हूँ। जैसे कि मैं सुबह सुबह आपको दिखा रही थी कि मेरे छोटा सा मेरा मिनी गार्डन है जिसमें मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनकी देख रेख भी मैं खुद करती हूँ, खाद देना, फर्टिलाइज़र देना, पानी देना, सब कुछ, प्रूनिंग, एक एक काम मैं सारा अपना गार्डनिंग का खुद करती हूँ, और घर के भी मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, इतना मोटा शरीर है मेरा। तो देखिए, और मैंने जैसे कल बताया था कि बहुत सारी जो है हम महिलाएँ होती हैं जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो पहले जैसी नहीं होती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है हमारी बॉडी, तो हम सभी के साथ ये है और मेरा भी जो कुछ ऐसा ही हाल है। तो देखिए दवाइयाँ तो मैं अपनी खाती ही हूँ, और हमारे हाथ में है दोस्तों कि हम अपना ध्यान किस तरह रखें और किस तरीके से जो है अपने घर को देखें, अपनी फैमिली को देखें। तो मैं भी जो है पूरी कोशिश करती हूँ अपने घर को देखने की, अपनी फैमिली को देखने की, और अपनी फैमिली को समय देने की। दोस्तों आजकल जो है हम जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं सभी से ही ये कहूँगी कि अपने बच्चों को पूरा समय दीजिए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें अपना दोस्त बनाइए और उनसे सारी बातें शेयर कीजिए, और उनको भी ये मौका दीजिए कि वो अपनी बातें हमसे शेयर कर सकें। अब जो है जो समय है वो बदल चुका है, जब हम थे अपने माँ बाप के साथ में तो मैं तो खैर बहुत क्लोज थी अपने पेरेंट्स के साथ में, तो मैं भी वही रिलेशन अपने बच्चे के साथ में रखती हूँ कि वो सारी बातें आके मुझसे शेयर करें। तो देखिए जो है मेरा कमरा जो है क्लीन हो चुका है, और अब मैं देखिए गर्म पानी पीने जा रही हूँ। ये भी मैंने शेयर किया था कि इसमें मैं क्या डालती हूँ, तो देखिए उबाल दिया है, बहुत अधिक गर्म पानी मैं नहीं पीती हूँ, ये गुनगुना पानी होता है और ये डेली मेरा रूटीन है, मैं ये गर्म पानी पीती ही हूँ 1 लीटर, और पानी पीना तो वैसे भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं थोड़ा गुनगुना पानी पीती हूँ, इसी से ही मेरा वजन हुआ है कम। मैंने कुछ भी और नहीं किया, ना डाइटिंग करी है, मैं सब कुछ खाना खाती हूँ, बाहर का भी खाना खाती हूँ, घर का भी मैं सारा खाना खाती हूँ, और इस तरीके से पूरा ही मैं ये पानी पी लेती हूँ 1 लीटर के करीबन। गर्मियाँ आ रही हैं, जितना अधिक हो सकता है पानी आप बहुत ज़्यादा पीजिए, और पानी जो है हमें 8 से 10 गिलास डेली के अपने खाने में रखना ही चाहिए। और अब देखिए सब कुछ काम हो गया, नहाना धोना पूजा सब कुछ कर ली है, और अब मैं खाने लगी हूँ दही चूड़ा। दोस्तों मुझे दही चूड़ा बहुत पसंद है, अब है गर्मियाँ, ठंडी दही और चूड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी आ जाइए इंजॉय कीजिए मेरे साथ में दही और चूड़ा, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको लग तो रहा होगा दही और चूड़ा कैसा होता है, लेकिन सच में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी भी होता है, दही और चूड़ा ठंडा बहुत ही स्वाद लगता है, आप बच्चों को भी दे सकते हैं खाने के लिए। और गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ जो है ठंडी चीज़ें खाने का ही बहुत अधिक मन होता है, कल भी मैंने दही चूड़ा ही खाया था, आज भी मैंने दही चूड़ा ही खाया है, दिन में बनाऊंगी कड़ी चावल। दोस्तों सुबह ही सोच लिया था कि आज दोपहर में क्या बनेगा, तो इस तरीके से देखिए हम जब सोच लेते हैं पहले से ही क्या बनेगा क्या बनाएंगे तो हमारा काम बहुत ही हल्का हो जाता है, और इस तरीके से कड़ी चावल भी मेरा बनकर तैयार हो जाएगा। आज की दोपहर की थाली आपको कैसी लगी, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।